नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। असम की चाय है, चाय पर चर्चा है, असम में चुनाव है, प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा यहां आकर चाय बागानों का दर्द बांटती हैं, चाय की पत्तियों को तोड़कर। यानी मुद्दा चाय तो है, चाय के साथ कुछ और मुद्दे भी हैं, चुनावी चाय पर चर्चा भी है, लेकिन उस चाय की जो सियासत का एक एक घूंट सब पीना चाहते हैं, कितनी मिठास किसके लिए है, मुद्दे क्या कह रहे हैं, सबसे बढ़कर बात ये कि लोग क्या कह रहे हैं। आज असम चुनाव पर श्वेत पत्र। असम देश की पूर्वोत्तर सीमाओं का प्रहरी राज्य, या ये भी कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों का रास्ता खोलने वाला दरवाजा है। इस दरवाजे पर इन दिनों सियासत का संग्राम छिड़ा है, मुद्दों की होड़ लगी है कि कौन इस दरवाजे को बहुमत की चाबी से खोलकर अपनी सत्ता स्थापित करेगा। चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। उसका हिंदुस्तान में आजकल नहीं। ग्यारह की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 3 करोड़ से अधिक है। 2020 की अनुमानित आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आजादी के बाद से पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम पर सबसे लंबे और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का शासन रहा। एक बार जनता पार्टी की सरकार बनी, 2 बार असम गण परिषद की भी पूर्णकालिक सरकार बनी। 2016 में पहली बार बीजेपी ने असम में अपनी सरकार बनाई। क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता से जुड़े कई आंदोलनों की धरती वाला असम आज मुद्दों के शोर में अपने लिए क्या मुद्दे चुन रहा है? संस्कृति और सभ्यता के अपने पुरातन मानकों से रत्ती भर भी न डिगने वाला असम आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने भविष्य के लिए क्या सोच रहा है? बदलती सरकारों से असम ने क्या खोया, क्या पाया चुनावी बेला में, ये सवाल अहम है और असम के लोगों की राय सबसे अधिक महत्वपूर्ण। हम लोग को जो दुख है वो तो हम लोग के मन आजमाता है ना, कैसे लगता है कैसे नहीं। जो अभी सैलरी जो है हमको डेली 167 मिलता है, 167 ना हम लोग को क्या होगा, हम लोग को खुद को खाने का नहीं मिलता है। वो कितना करके खाने से होगा हम लोग को, अभी तो होटल में जाने से तो 100 रुपया लग जाता है एक टाइम का। इसीलिए हम लोग को ये सरकार जो आया है, बीजेपी सरकार रहा, वो बोलता रहा ना, बोला 51 कर देगा बोल के, किंतु किया नहीं अभी तक। अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है, जो सरकार अभी आता है इलेक्शन में, हम लोग को जो हम लोग को समस्या तो समाधान करेगा उसी को हम जिता देंगे। भारत माता की। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ एनडीए में असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट RJD, AJM और लेफ्ट दल है, ये दूसरा गठबंधन है। एक तीसरा मोर्चा भी है जिसमें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के समर्थन से बनी असम जातीय परिषद और CAA विरोध का प्रमुख चेहरा रहे अखिल गोगोई की राइजोर दल का गठबंधन। राजनीतिक रैलियों, गठबंधनों की हुंकार, ललकार और सियासी गहमा गहमी से परे आम वोटर अपनी सोच और मुद्दों के साथ अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। असम देश खोले
टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर जब हम चाय बागानों में पहुंचे तो चुनावी चाय में उबाल कितना है इसका अंदाजा लगना शुरू हो गया। हरी हरी चाय के बागान। चाय बागान मजदूरों की आबादी असम की कुल आबादी का 17% है और यह असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से कम 40 सीटों पर हार जीत तय करने में निर्णायक होती है। भारत की चाय का आधा हिस्सा असम के ऐसे ही बागानों से आता है। जिम्मेदारियों को सर पर उठाए ऐसे न जाने कितने समूह रोज सुबह आते हैं, शाम होने से थोड़ा पहले चले जाते हैं। इसी आने जाने के बीच पीढ़ियां बीत जाती हैं। किसी ने यहाँ सारा जीवन बिता दिया, किसी ने अभी अभी जीवन को समझना शुरू किया। परमानेंट है कैजुअल? हम लोग का हफ्ते ही में होता है। कितना मिलता है एक दिन का? एक दिन का 175 ऐसे मिलता है हम लोग। 175 रुपया पूरा पड़ता है आप लोगों को? नहीं पड़ता है, दो दिन काट के रख देता है, अगला सप्ताह में दे देता है। अच्छा। पैसा बढ़ना चाहिए? पैसा तो बढ़ना चाहिए। और काम कितने बजे से कितने बजे करना पड़ता है? 7 सुबह आने पड़ता है इधर में। हाँ। 5 छुट्टी दे सुबह से 8 से शाम 5 तक। कितना पैसा मिलता है एक दिन का? एक दिन का तो 175 मिलता है। कैसे चलता है घर? कैसे ऐसे ही चलता है, क्या करेगी, चलने से तो बहुत कष्ट होता है, क्या करेगी, चलना पड़ता है। चलाते हैं। कैसे? बहुत मुश्किल होता होगा? हाँ, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बढ़ाना चाहिए पैसा इसका? हाँ, बढ़ाना चाहिए, तो बुलाते नहीं है इतना पैसा में, बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने भी नहीं सकता है। भात के साथ, भात ही खाएगा, क्या खाएगा, मछली उछली तो सपन में मिलता है कभी कभी, सप्ताह में एक दिन नहीं तो सपने में, नहीं सपने, सप्ताह में एक दिन मिलता है। कम दरमा में नहीं चलता है ना घर, बच्चा लोग को स्कूल ही नहीं भेज सकते, तो क्या करेगी, हम खाएगी क्या और रखेगी क्या। ये मामूली से दिखने वाले चेहरे असम चुनावों में कितने जरूरी हो जाते हैं ये सियासत खूब समझती है। सबसे लंबे समय तक इस राज्य पर एक छत्र राज्य करने वाले दल हो या 5 की पूरी अवधि पहली बार पूरा करने वाली पार्टी, सबको पता है कि सियासी खुशहाली का हरा रंग भी इन्हीं बागानों की हरियाली से आता है। यहाँ की प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र असम के चाय बागान भी है। सोनितपुर की लाल चाय तो वैसे भी अपने अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है। सोनितपुर और असम की चाय का स्वाद कितना खास होता है ये मुझसे बेहतर भला कौन जानेगा। इसलिए मैं हमेशा से चाय वर्कर्स की प्रगति को पूरे असम की प्रगति से जोड़ करके ही देखता हूँ। तो जब हम कहते हैं कि चाय के बगान में आपको 365 का वेतन मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चाय बगान चलाते हैं, जो कंपनियां हैं, उनका नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां देती हैं, उसके अलावा सरकार आपको मदद करेगी ताकि आपके कुल मिलाकर 365 रुपए हों। इनके सपने अनमोल हैं, लेकिन ये चंद रुपए के मोल के लिए भी तरसते रहते हैं। चाय बगान के ये कर्मचारी जो है, मुश्किल से कुछ देर की मोहलत मिलती है खाना पीना के लिए, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक इन्हें काम करना पड़ता है यहीं पर। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उसका मोल है एक दिन का 175 रुपया। हालांकि वादे बहुत सारे किए गए, 351 रुपए के वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, कांग्रेस पार्टी भी वैसे ही वादे कर रही है, हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है उस चीज पर, लेकिन इन सारी चीजों के बीच इनकी परिस्थिति को समझने के लिए इस आंकड़े को भी समझना पड़ेगा कि 900 इनके ऐसे संस्थान हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी संख्या तो 10,000 से ऊपर जाती है,
और उसमें भी जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो मुश्किल से 10-15% हैं, बाकी जो हैं उन पर तो नियम कानून भी लागू नहीं होते हैं, यानी अगर आप एक दिन के लिए नहीं आ रहे हैं तो सीधे तौर पर आपके पैसे कट जाएंगे। कई सपनों को कुचलते हुए रोनते हुए जिंदगी भर इन सब ने देखा है, अब कुछ राजनीतिक वादे भी देख रहे हैं, वरना तो अंग्रेजों के शासन काल से इनके प्रताड़ित होने की बातें ही की। For the first time happening, because during our brief period of 4.5 years, we could able to increase the wages up to 80 rupees. चुनावी घोषणाओं और सरकारी आंकड़ों की बात अपनी जगह है, लेकिन बागानों में काम करने वालों से बात करने पर पता चलता है कि कैसे उन्होंने उम्मीद पर दुनिया कायम की कहावत को जिंदगी से जोड़ लिया। 300 से ऊपर कर देंगे, आपको लग रहा है हो जाएगा 300? होना चाहिए, मैंने आमदनी होना चाहिए। कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, होना तो चाहिए, हमको चाहिए, नहीं होने से क्या होगा, इतना कम दरमा में नहीं चलता है ना घर। असम ने अपनी पहचान के लिए बहुत संघर्ष किया है, उनके समृद्ध और शक्तिशाली इतिहास ने निश्चित ही प्रेरित किया होगा। चुनावी प्रक्रिया में बहुत कुछ वोटों के वजन के नीचे दब जाता है, लेकिन पहचान की लड़ाई मन के अंदर अंदर चलती रहती है। ये अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की प्रतिमा है और असम के उस गौरव का प्रतीक है जो इस बार चुनावी मंच से बार बार जिक्र पा रहा है। दरअसल मुगलों ने यहां पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन इस महान योद्धा के पराक्रम के कारण ही और इनके नेतृत्व के कारण ही जो अहोम समूह थे, जो योद्धा थे, उन्होंने मुगलों को यहां पर पांव धरने तक नहीं दिया गया। अब वही पराक्रम, वही अध्याय, वही कहानियां चुनावी मंचों पर जगह पा रही हैं। सदियों अपराजय रहने वाला असम इन दिनों राजनीति की रणनीतियों के बीच खड़ा है। बदरुद्दीन के समर्थक अहोम राजाओं को बाहरी बताते हैं और बीजेपी बदरुद्दीन के समर्थकों को घुसपैठिया। मित्र, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिले और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक एक वोट आसाम को घुसपैठियों से भर देगा। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी चाहिए, घुसपैठ कराने वाली पार्टी चाहिए या घुसपैठियों को उखाड़ कर बाहर फेंकने वाली पार्टी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल जिसने घुसपैठ का गढ़ बना दिया आसाम को, वो बदरुद्दीन अजमल जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है,
वो बदरुद्दीन उजब अजमल जो धंधा तो इत्र का करता है लेकिन असम की फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रहा है। क्या हो गया है कांग्रेस को? ये कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही। राहुल गांधी गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे, राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। और जिन्ना का रास्ता ना तो असम की जनता स्वीकार करेगी और ना हिंदुस्तान की जनता स्वीकार करेगी। बीजेपी के इन आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद और चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन प्रद्युत बोरदोलई का ये कहना पड़ा कि भविष्य में अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी किसी तरह की सांप्रदायिक गतिविधियों में पाई गई तो कांग्रेस उससे गठबंधन तोड़ लेगी। यहाँ सवाल ये है कि भविष्य की बात जब आई तो ऐसा अतीत क्या रहा है AIUDF का जिसको लेकर इतना हंगामा। साढ़े तीन हजार मस्जिद तार लिस्टर मध्य आसे तारा दिल्ली सरकार पावर पर आगामी भाषण दीब असम की मौजूदा राजनीति में बदरुद्दीन सांप्रदायिक राजनीति की धुरी है और इसी धुरी पर बीजेपी अब कांग्रेस की राजनीति को जमकर घेर रही है। जिसने घुसपैठ का समर्थन किया है कांग्रेस उसके साथ मिलकर के एक महाजोध बना करके चुनाव को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। अमित शाह बेहोश हो गया और मोदी जी ये देश छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, विदेश में जाके चाय का दुकान। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई बदरुद्दीन की पार्टी को हमेशा सांप्रदायिक मानते हुए निश्चित दूरी बनाकर रखते थे। कांग्रेस ने इन चुनावों में गठबंधन किया तो ये गठबंधन सीधे बीजेपी के निशाने पर और आरोप सांप्रदायिक राजनीति के समर्थन का। आज फिर से कांग्रेस के लोग आपके बीच आकर आपसे वोट मांग रहे हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 15 वर्षों तक लगातार हमने आपको असम में सरकार चलाने के लिए पूरा समर्थन दिया लेकिन उसके बावजूद आपने इस असम राज्य का विकास क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए। दरअसल असम की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 34% है। कुल 33 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां उनकी आबादी 50% से अधिक है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल जिस क्षेत्र से सांसद चुने गए वहां ढुबरी में मुसलमानों की संख्या 80% से भी अधिक हो चुकी है। 33 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान ही हार जीत को तय करने में सक्षम है। बीजेपी को असम की मुस्लिम बहुल राजनीति का अंदाजा अच्छी तरह है, इसीलिए यहां योगी आदित्यनाथ के हाथों में बीजेपी के हिंदुत्व का परचम थमाया गया। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है, राम भारत के श्वास श्वास में रोम रोम में रमे हैं, राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है। सरसरी तौर पर देखने पर असम में हिंदू मुस्लिम स्थानीय घुसपैठियों की चर्चा प्रमुखता से की जाती है लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं असम के लाखों लोग उसे श्रद्धा से देखते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं जो नाथ संप्रदाय का तीर्थ। नाथ संप्रदाय के पहले गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने असम के कामरूप में अपनी साधना की थी, तब से उन्हें मानने वालों की बड़ी संख्या असम में। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति उनके लिए गुरु आदेश की तरह है। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ी भीड़ बीजेपी के लिए उनकी सार्थकता को दर्शाती है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपको विकास देगी, भारतीय जनता पार्टी आपको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके भारत के विकास की साक्षी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे श्रीमान शंकर देव की जन्मभूमि को घुसपैठ से मुक्त किया था
ऐसे ही पूरे असम को घुसपैठ से मुक्त करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए विकास के प्रक्रिया के साथ हर असमवासी को जोड़ना चाहती है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ के भाषण का संदेश दूर तक जाता है और ये संदेश होता है बीजेपी के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद के प्रसार का। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए, भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। असम के माथे पर सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन के गहरे जख्म लगे। जुलाई 2012 में असम के कोकराझार में हुआ सांप्रदायिक दंगा देश के सबसे खौफनाक दंगों में शुमार किया जा सकता है। ये दंगा स्थानीय जनजातियों और बांग्लादेश से आकर बसे मुसलमानों के बीच हुआ। इस दौरान सैकड़ों घर आग की भेंट चढ़ गए, 80 से अधिक लोगों की मौत हुई, 4 लाख से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए। जुलाई 2012 में ही इन दंगों से ठीक पहले 1000 बांग्लादेशी मुसलमानों की भीड़ पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस वैन से खींचकर 4 स्थानीय जनजाति के युवकों की नृशंस हत्या की थी। ये दंगे धार्मिक विभाजन की एक ऐसी लकीर बने जो समय के साथ चौड़ी होते होते अब खाई बन चुकी। असम की सियासत में बीते कुछ समय में CAA और NRC के मुद्दे पर भी काफी रंग बदला है और उनमें एक रंग सांप्रदायिकता का है। असम में CAA से ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा है NRC। हालांकि CAA के बाद जो यहां पर एजिटेशन चला, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यहां पर दो पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का जन्म भी हुआ, जो कि इस बार बीजेपी कांग्रेस का जो महागठबंधन है वे और तीसरे मोर्चे के तौर पर वो दोनों पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पार्टियां CAA को मुद्दा बना रही हैं, NRC को मुद्दा बनाने में सब विफल रहे। असम का पॉलिटिकल मुद्दा यही है और सिर्फ यही है कि आइडेंटिटी और विकास। देखिए, अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम CAA को रोक देंगे। कहा के मामले में कहा असम में लागू नहीं, पूरे इंडिया में हम लोग लागू होना नहीं चाहते। ये राहुल बाबा अपनी गोदरी में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूमते हैं, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? असम में CAA को लेकर चुनावी मंचों से जमकर बयानबाजी है। वो CAA जो अभी कहीं लागू ही नहीं हुआ, जिसे असम में बीजेपी की रैलियों में खास जगह नहीं मिली, लेकिन जिस NRC को लेकर पूरा असम असमंजस और आशंकाओं से घिरा था, उसका कहीं जिक्र न होना चौंकाता जरूर। भारत माता की, हम जो सोच रहे हैं, सरकार ने जो सोचा नागरिकता, ये होना चाहिए क्योंकि ये असम में मतलब जो माइग्रेशन, ये उसके लिए तो बहुत ये हो गया असम, इसीलिए का जो किया ये गलत काम किया, ये नागरिकता कानून आना चाहिए, होना चाहिए। असम में घुसपैठियों की समस्या बहुत पुरानी है और इसको लेकर राज्य और केंद्र में सरकार भले किसी भी दल की रही हो, लेकिन चिंता जरूर जताई गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे असम में NRC यानी नागरिकता रजिस्टर अपडेट करने का आदेश दिया। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो इसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं के भी नाम गायब पाए गए, तब इसको लेकर असम में बहुत ज्यादा विरोध किया गया। पूर्वोत्तर में NRC का विरोध नहीं है, NRC का स्वागत है, CAB का विरोध है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध, सो कॉल्ड विरोध है। हम NRC को लेकर असम में जिस समय की बात कर रहे हैं वो 2018-19 की है। तब से अब तक असम में लोगों के मन में और सामाजिक तौर पर NRC कितना बड़ा मुद्दा रहा, ये जानना जरूरी हो जाता है। NRC को लेकर विपक्ष ने बहुत तीखे हमले किए हैं, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं सरकार पर,
कि किस तरीके से ये पक्षपात भरा रहा है। सरकार ने कहा थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, लेकिन इतने इंतजार के बाद क्या हुआ? क्योंकि इस तरह के मोहल्लों में कई घर ऐसे हैं, खासकर यहाँ पर, जहाँ परिवार के चंद सदस्यों का नाम आया लेकिन बाकी सदस्यों का नाम सूची में शामिल नहीं हुआ। आज यहाँ की परिस्थिति बहुत हद तक बताएगी कि क्या वाकई चुनावों में ये मुद्दा बनेगा। ये गुवाहाटी का लाल गणेश इलाका है, जहाँ पर एनआरसी को लेकर काफी असमंजस की स्थिति कई दिनों तक बनी रही थी। इनमें से बहुत से लोग एनआरसी की जद्दोजहद से गुजरे हैं। अब चुनाव है तो वो क्या सोच रहे हैं और क्या सब कुछ ठीक हो गया है? एनआरसी को लेकर शुरुआत में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज जमीन पर क्या स्थिति है? क्या एनआरसी को लेकर दिक्कतें आई थी या अब सॉर्ट आउट? दिक्कत आई थी, जैसे कि दो बार तीन बार बुलाया, बाद में आया नाम हम लोग का, कागज लेके जो भी हो, तो अभी ठीक है। अब घर में सबका सबका मोटा मोटी हो गया। तो मतलब शुरू में लगता था ऐसा कि कहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी। शुरू में तो ऐसा लगा था, फर्स्ट में नहीं आया था, सेकंड लिस्ट में आया नाम आ गया। श्यामली दास के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि दो लिस्ट में नाम नहीं आया था एनआरसी में, घर में बाकी सबका आ चुका था, लेकिन अब आपका मामला अब सुलझ गया। कोर्ट में हो गया, कोर्ट जाना पड़ा इन्हें, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद अब एनआरसी में नाम आपका आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब शांति है? नींद नहीं आता, खाना पीना बंद हो गया, ये सब अब ठीक लग रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने की बात कहती है, क्योंकि वहां की प्रभावशाली मथुआ समाज की ये मांग है, लेकिन विपक्षी दल इसी का लाभ उठाकर बीजेपी को असम में घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच ये विश्वास बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि सीएए आने पर एनआरसी का कोई मोल नहीं रह जाएगा, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू असम का हिस्सा बन जाएंगे, स्थायी असम के लोगों को इसमें भाषाई और पहचान का खतरा दिखाने का प्रयास है। यानी वोटों की राजनीति को असम में सीएए के कांटे पर ले जाने का प्रयास चल रहा है। चुनाव के लिए विकास मुद्दा है या कोई दूसरा मुद्दा है? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो विकास असम में जो हुआ है पांच सालों के अंदर में, और जो विकास वो आज तक नहीं हुआ, 70 साल में भी और 50 साल में भी। हालांकि जानकार मानते हैं कि आम वोटरों के बीच सीएए या एनआरसी चुनाव के लिए कोई मुद्दा साबित नहीं होने वाला है। हालांकि सीएए के आने के बाद असम में भी भयंकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई थी और दो राजनीतिक पार्टियां इसी विरोध प्रदर्शन के दम पर खड़ी हो गई थी, जो इस बार असम में तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ रही है। सीएए, एनआरसी और घुसपैठियों के मुद्दे से परे बीजेपी असम में सर्बानंद सोनोवाल के 5 साल के विकास के कामों को लेकर मुखर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक और अमित शाह से लेकर राज्य के नेताओं तक सबको विकास के कामों की लंबी लिस्ट सुनानी होती है। आज असम में नई सड़कें बन रही है, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं, बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। कहावत है कि विकास की तस्वीर अगर किसी जगह की देखनी है तो वहां की महिलाओं की स्थिति का आधार सबसे सही फॉर्मूला होता है। विकास के सरकारी वादों को समझने के लिए हम असम के सोनापुर से गुजरे तो विकास को परखने की एक प्रयोगशाला भी हमें मिल गई। असम के सोनापुर में जुहाल नाम की ये जगह है, बिल्कुल एक ग्रामीण ढांचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो एक अलग चीज नजर आ रही है वो यहाँ पर जितनी भी कर्मचारी हैं वो सारी महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। वैसे तो असम एक महिला प्रधान ही समाज रहा है हमेशा, लेकिन ऐसा रहा नहीं आने वाले दिनों में। क्या सोच रही है आपकी कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे अकाउंट्स का काम हो, चाहे खाना पकाना हो, चाहे सर्व करना हो, सारा काम महिलाएं कर रही हैं। हम लोग का जो शिक्षा है
वो महिलाओं को उसी तरीके से साइंटिफिक एजुकेशन उन लोगों के पास में गया नहीं है अभी तक, खाली हम लोग लिटरली एजुकेट कर रहे हैं हम लोगों को, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये गांव का जो हवा है, अभी माहौल है, ये महिलाएं देखते हैं कि हम लोग हमेशा समाज से पीछे रहते हैं, इसका कारण में उन लोग का बीच में अंधविश्वास भी ज़्यादा होता है, समाज से उन लोग प्रवंचित भी होते हैं। तो इसी कारण से मैं यहाँ का जो गांव का महिलाएं हैं उन लोगों को बोला कि आओ, तुम लोग का जो खाना है ये तो बहुत सुंदर है, अच्छा है खाना, हम लोग क्यों ये खाना को बाहर में नहीं ले जा सकते हैं। मैं दिख रही हूँ कि वहाँ आपको गुवाहाटी वगैरह हर जगह से आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ आते हैं यंगस्टर्स खासकर। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम भी दो साल से कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए कि इसके आने से पहले आप लोग अगर काम करना चाहते थे तो काम मिलता था, क्या करते थे? हम लोग पहाड़ में जाता था, पहाड़ में काम करते। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आपको जो जो चीजें दिखती हैं, जो सिक्योरिटी लड़कियों की, वो सब ठीक है यहाँ? बाहर अच्छी है। अच्छा है, हाँ। अच्छा है। लेकिन यहाँ पर स्कूल्स वगैरह यहाँ पे आपने दोस्त बनाए, कितने दिन से काम कर रही हैं? मैं फिलहाल 5 महीना हुई है यहाँ पे आई हूँ। हाँ जी, अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, एकदम अच्छा लग रहा है। असम में विकास हुआ है? कुछ होता रहा है मैडम। किस तरह का? नहीं, रोड वगैरह का और का ये सब तो लग रहा है। असम में हुआ है विकास? हमें तो जैसे पहले वैसे ही लग रहा है, कोई खास कोई बदलाव नहीं। असम में विकास हुआ है? मेरे हिसाब से तो हुआ है। जैसे किस जैसे कि रास्ता सड़क बहुत ठीक हुआ है। सड़क ठीक हुआ आपके हिसाब से? आप लोगों को कुछ बदला दिखता है असम में? हाँ, बहुत देखा है तो बहुत रास्ता घाट हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू और मोदी राज में बनकर तैयार रेल और सड़क मार्ग वाला ये बोगीबिल पुल असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर तरक्की की एक तस्वीर दिखाता है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को सौंपा था, लेकिन इसे लेकर अभी भी श्रेय की रस्साकशी चलती रहती है। आसमानों की ऊंचाइयों को छूते देश के सबसे लंबे रेल सड़क मार्ग वाले इस पुल ने निश्चित ही विकास के आयाम स्थापित किए, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है जो चुनावी मुद्दा तो है, सामाजिक चिंता भी है। हम इस समय असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर मौजूद हैं, लेकिन आप अगर यहाँ की परिस्थितियां देखेंगे तो देखकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जब स्वच्छता की बात होती है या फिर नमामि ब्रह्मपुत्र योजना की बात होती है तो कम से कम उसकी शुरुआत घाटों की सफाई से तो होती ही है, लेकिन अगर जहां तक आपकी नजरें चली जाएंगी आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आ जाती है। एक ऐसे घाट पर जहां पर लोग अपनी श्रद्धा में डूब कर भी आते हैं, लेकिन इस इलाके की साफ सफाई अगर है तो उसका ध्यान किसे देना है? दूसरा जो बड़ा सवाल असम के साथ जुड़ जाता है वो है निरंतर बाढ़ का। तो बाढ़ को लेकर क्या कुछ वाकई ऐसा किया गया है कि असम में लोग सोचे कि हाँ, हमारी परिस्थितियां अब बदल रही हैं? ये बीते बरस की तस्वीर है जब ब्रह्मपुत्र नदी ने तटबंधों को तोड़कर तबाही मचा दी। आसपास के करीब 2500 गांव पूरी तरह डूब गए। सरकार ने अनुमान जताया था कि 70 लाख लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के शुरुआती कहर में ही 84 लोग मारे गए और 26 लोग जमीन खिसकने से मारे गए। लाखों जानवर सैलाब में बह गए। ब्रह्मपुत्र नदी की ऐसी तबाही से असम का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन ये रोका क्यों नहीं जा सकता, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर बाढ़ हर साल एक समस्या है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हेमंत हमारे संवाददाता हैं यहाँ पर और लगातार फॉलो करते हैं कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं। कुछ बदला है, कुछ निर्माण हुआ है ऐसा? बाढ़ से त्रासदी कम हुई? ये तो इसलिए हर साल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऐसा नदी है जो चाइना से होकर अरुणाचल होकर असम और असम से होकर बांग्लादेश पहुंचता है। तो यहाँ पर पिछले सरकार, कांग्रेस की सरकार ज्यादा समय था,
पिछले 5 साल से यहाँ पर बीजेपी का सरकार थे, उसने यहाँ पर एक्चुअली परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई भी सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई सरकार ने यहाँ फ्लड और इरोशन प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्यूशन करने के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर साल इसको, फ्लड और इरोशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने हजारों रुपए खर्च किया है इस पर, लेकिन मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो सब कुछ बेकार। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाढ़ग्रस्त है। ये कुल असम का 40% है। पौराणिक कथाओं में असम कृष्ण कथाओं से जुड़ता है तो कामरूप कहलाता है, और पहले का जिक्र चलता है तो सभ्यताओं के विकास के साथ ये कई नामों से सामने आता है। चुनावी होड़ में मुद्दे चाहे जो हो, लेकिन असम की तरक्की देश की तरक्की का भी प्रवेश द्वार है, इसमें कोई संदेह नहीं। इकलौती नदी नहीं नदा, ब्रह्मपुत्र यानी सृष्टि रचयिता, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मपुत्र की इस नगरी में हम इस समय मौजूद हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र की इस नगरी को भी अपने निर्माण के लिए हर 5 साल पर किसी की आवश्यकता होती है। चुनावी मुद्दों और वादों के बीच से असम की जनता किसे चुनती है, ये देखना होगा। हेमंत कुमार नाथ और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।